एंटमोलॉजी की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर डिप्टेरा, डिप्टेरा की इम्पोर्टेंट फैमिलीज और साथ ही साथ उनके जो है प्रमुख एग्जाम्पल्स। डिप्टेरा, डिप्टेरा का इटिमोलॉजी अर्थात इसका मतलब होता है डी आई डाई, डाई मतलब टू, टेरा मतलब विंग्स, अर्थात ऐसे इंसेक्ट्स जिनके की दो विंग्स होते हैं वे डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि डाई मतलब टू हो गया और टेरा मतलब विंग्स हुआ, तो दो विंग्स है ना, दो विंग्स, लेकिन क्लास इंसेक्टा की पहचान का सबसे प्रमुख जो कारण है वो है कि इंसेक्ट्स में दो जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं, ना कि दो की संख्या। तो यह फिर डिप्टेरा ऑर्डर क्लास इंसेक्टा में किस तरीके से आया, क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत डिप्टेरा क्यों आता है जब उसके दो विंग्स हैं। तो इसमें टू विंग्स का मतलब है कि जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो डिप्टेरा ऑर्डर में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अर्थात हाइंड विंग्स जो है वो हाल्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाल्टर में कन्वर्ट होने का मतलब होता है कि वो जो विंग्स है बिल्कुल पैक लाइक स्ट्रक्चर, खूंटी के जैसी छोटी सी संरचना जिसको कहा जाता है आपका हाल्टर, उस हाल्टर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से यह जो है यह दो जोड़ी पंख हो जाते हैं। एक जोड़ी जो है वो आपको सामने दिखाई देते हैं और जो दूसरे जोड़ी पंख हैं वो हाल्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्योंकि हाल्टर बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जो है आपने मक्खियां देखी भी होंगी तो उसमें दो पंख ही सामने दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पेयर ऑफ विंग्स हाइंड विंग्स जो है वो हाल्टर में कन्वर्ट होने के कारण से वो दिखाई नहीं देते हैं। जब ध्यान से इस फोर विंग को हटा करके आप या उठा करके देखेंगे तो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जो हाल्टर कहलाते हैं वो नजर आते हैं, इसीलिए डिप्टेरा ऑर्डर को क्लास इंसेक्टा में रखा गया है, आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत डिप्टेरा को रखा गया है। तो डिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले जो इंसेक्ट्स हैं वे फ्लाइज और मॉस्किटोज होते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि हाइंड विंग्स जो है वो हाल्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ डिप्टेरा ऑर्डर की प्रमुख विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो हाइंड विंग्स की होती हैं, और साथ ही साथ इनके जो विंग्स हैं, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो विंग्स हैं इस विंग्स के अंतर्गत जो इनमें वेनेशंस वगैरह पाए जाते हैं, इसी वेनेशंस के मॉडिफिकेशंस के बीच में ये जो है इनको अलग अलग सब ऑर्डर्स में डिविजन भी किया जाता है, और साथ ही साथ इनके एंटीनी माउथ पार्ट्स हैं इनमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसके कारण से यह एक प्रमुख ऑर्डर और एक बड़ा ऑर्डर कहलाता के अंतर्गत आता है। ये जो है आपका एक जनरल स्कीमेटिक डिप्टेरियन एनाटॉमी है, जिसमें कि आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए उसके लिए यह है कि जिसमें देखिए इंसेक्ट्स का पार्ट तीन भागों में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप इसको, इसकी जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के आधार पर बताए जाते हैं इस ऑर्डर के, तो वह एक है इसमें देखिए ये हम लोग पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि जो तो एंटीना है एरिस्टेट टाइप का एंटीना पाया जाता है हाउस फ्लाई में, तो वो जो है आप यहाँ से
देख सकते हैं आप कंपाउंड आईज पाई जाती है। देन उसके अलावा हल्टर्स, ये देखिए ये जो है ये आपका ये फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स है, सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जो है वो हल्टर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसका डिस्क्रिप्शन, इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स के आधार पर और उसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है आप इसको देख सकते हैं। की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्डर डिप्टेरा की, यह ऑर्डर जो है यह बहुत बड़ा ऑर्डर जिसमें कि 98,500 स्पीसीज और 130 फैमिलीज पाई जाती है। हमको 130 फैमिलीज नहीं पढ़ना है, कुछ हमारे जो कोर्स की और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं उनके बारे में हमको स्टडीज करना है। और मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स ये जो है ये कैसे होते हैं आपका, छोटे होते हैं, सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होते हैं। जो होते हैं वो माइन्यूट फ्लाइज भी इस ऑर्डर के अंतर्गत आती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जो विंग्स होते हैं, ये देखिए हमेशा इनके विंग्स रहेंगे वो मेम्ब्रेनस रहेंगे, मेम्ब्रेनस रहेंगे और फोर विंग्स जो होंगे वो एक जोड़ी में होंगे। जबकि सेकंड पेयर ऑफ विंग्स, ये पुनः मैं वही बात को पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स है ये देखिए ये जो कर्सर चल रहा है यहाँ पे ये हाल्टर्स कहलाता है। पैग लाइक स्ट्रक्चर, टूटी की जैसी संरचना में ये जो है जिसी को कहते हैं हाल्टर्स। तो हाइंड विंग्स जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और हाल्टर्स जैसी संरचना है ना, हाल्टर्स टाइप ऑफ विंग्स बनाता है। और इनकी जो विंग्स हैं इनमें जो है तीन प्रकार के लोब्स पाए जाते हैं, एल्यूला, अपर कैलिप्टर एंड देन लोअर कैलिप्टर। और जनरली जो इनमें विंग वेनेशन होता है वो कॉमन होता है, कॉमन अर्थात हम लोगों ने जो फिजिक्स क्लासेस में पढ़ा, पोस्टा, सब पोस्टा, मीडियन, रेडियस, क्यूबाइटस, है एनल, तो ये इस तरीके से इनमें जनरल टाइप का विंग वेनेशन पाया जाता है। लेकिन इन्हीं विंग वेनेशन में डिफरेंसेस के बेसिस पे भी इनको डिफरेंट सबऑर्डर्स में आगे फर्दर काटा जाता है। इसमें एंटीनी अलग अलग वेरी करती है, जैसे निमेटोसेरा ये इसका सब ऑर्डर है, निमेटोसेरा में जो एंटीनी का वो रहेगा, सेगमेंट्स की संख्या रहेगी, खंडों की जो संख्या रहेगी वो मोर देन 6 सेगमेंट्स रहेगी। जबकि ब्रैचीसेरा में 3 सेगमेंटेड कैंटीनी होती है, है? और सामान्यतः जो है आपका एरिस्टा है ना, ये जो है आपका आगे की जो एंटीनी दिखाई है ना, जिसको एरिस्टा या स्टाइल कहते हैं हम, ये एरिस्टा जो है वो 3 सेगमेंट का, 3 खंडों का बना होता है। ये उसके माउथ पार्ट्स हैं, इसके माउथ पार्ट जो होते हैं ये देखिए, ये माउथ पार्ट जो है ये वेरिंग करते हैं अर्थात अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स जनरली सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं, लेकिन सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं जैसे मॉस्किटो के अंतर्गत पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। जबकि हाउस फ्लाई जो आती है उसमें स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। और कुछ अदर डिप्टेरन्स हैं जिनमें की जो है ये माउथ पार्ट्स होते हैं वो वेस्टिजियल अर्थात पुअरली डेवलप्ड या नॉन फंक्शनल होते हैं। और इसमें देखिए ये दिख रहा है आईज, कंपाउंड आईज जो होती है इस ऑर्डर में बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है। और साथ ही साथ इसमें जो होलोप्टिक कंपाउंड आईज जो होती है, लार्ज होने के साथ साथ होलोप्टिक होती है। होलोप्टिक अर्थात डॉर्सल पोर्शन से जब आप देखेंगे तो ये जो दोनों आईज हैं, कंपाउंड आईज हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं और साथ ही साथ पीछे की ओर थोरेक्स पोर्शन तक जो है लंबी होकर के ये दिखाई देती है, इसलिए इनको होलोप्टिक कहा जाता है। कुछ इंसेक्ट्स में इस तरीके का नेचर भी आईज का दिखाई देता है। इसमें अगर ओसेलाई या आपको क्या बोलते हैं सिंपल आईज अगर प्रेजेंट है तो उसकी संख्या 3 होती है। सामान्यतः जो प्रोथोरेक्स है और मेटाथोरेक्स है वो जो है इसमें ग्रेटली रिड्यूस होता है, इसीलिए उसमें हाल्टर्स जो है ना वो पाए जाते हैं। टर्साई, ये जो टर्साई है ये कितनी 5 सेगमेंटेड होती है। और डिप्टेरा ऑर्डर में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, अर्थात इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होंगी, एग, लार्वा, और इसके जो लार्वा है डिप्टेरा ऑर्डर का जो लार्वा होता है उसको बोला जाता है मैगट, है? तो सामान्यतः जो मैगट होते हैं वो मैगट इसमें जो होते हैं डिप्टेरा ऑर्डर में वो लेग लेस होते हैं, अर्थात इनकी
ना ही आपका क्रो लेग्स पाए जाते हैं और ना ही आपका एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं। और इसमें जो लार्वा होता है वो रूसी फॉर्म और पुलुसी फॉर्म का होता है, जबकि तीसरी स्टेज होती है पीपल स्टेज, तो सामान्यतः ऑप्टेक या कॉर्पटेक टाइप का पीपल पाया जाता है। और चौथी स्टेज होती है एडल्ट स्टेज। इस प्रकार से एग, मैगट, प्यूपा और एडल्ट, ये चार स्टेज के कारण से इस ऑर्डर की जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबुलस, वह इस ऑर्डर की एक प्रमुख विशेषता है। यह डिप्टेरा ऑर्डर फर्दर तीन सब ऑर्डर्स में बटा होता है, जिसको बोला जाता है पहला निमेटोसेरा, दूसरा ब्रैचिसेरा, तीसरा साइक्लोरहाफा। तो इनमें कुछ थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या होते हैं, तो एंटीनी के आधार पर निमेटोसेरा जो है उसमें कई सारे सेगमेंट्स होते हैं और जो एंटीनी होती है वो हेड और थोरेक्स से लंबी होती है, जबकि ब्रैचिसेरा में एंटीनी तीन सेगमेंटेड होती है और हेड और थोरेक्स से छोटी होती है, जबकि साइक्लोरहाफा में भी एंटीनी तीन सेगमेंटेड, तीन खंडों से मिल करके बनी होती है और इसमें जो है एरिस्टिक टाइप की एंटीनी पाई जाती है। इसमें जो तीन खंड है उसमें से एरिस्टा है ना, ठीक है, एक हेयर जैसी संरचना, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जिसको एरिस्टा बोला जाता है, वो इस एंटीनी से, एरिस्टिक एंटीनी से निकला होता है। दूसरा होता है मीजोप्लूरल स्ट्रक्चर। मीजोप्लूरल स्ट्रक्चर क्या होता है, मीजोप्लूरल स्ट्रक्चर ये एक सामान्यतः आप देखेंगे जो विंग्स का बेस है, विंग्स के बेस से जो आपका मिडिल वाला जो लैग है ना, उस लैग का जो कोक्सा है वो दोनों क्या हुआ, जो मीजो है ना, मीजोथोरेक्स से एक जोड़े पंख निकलेंगे, उस जो पंख का बेस और जो मिडिल लेग्स है उस लेग्स के कोक्सा जो होता है, उस कोक्सा का दोनों का आर्टिकुलेशन, दोनों का ज्वाइंट होना जिस जगह पे होता है वहां पे मीजोप्लूरल सूचर्स पाए जाते हैं। वो मीजोप्लूरल सूचर्स का स्ट्रक्चर जो है इन डिफरेंट सब ऑर्डर्स में डिफरेंट होता है। तो मीजोप्लूरल जो सूचर्स का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट होता है निमेटोसेरा में, जबकि ब्रैचिसेरा में बैंडेड मुड़ा हुआ होता है, और जो साइक्लोरहाफा उसमें भी मीजोप्लूरल स्ट्रक्चर जो है वो मुड़ा हुआ होता है। तीसरा होता है डिस्क सेल। डिस्क सेल जो है आपका, डिस्क सेल का मतलब होता है जो आपका विंग की वेनेशंस है ना, जिसमें कि जो रेडियल और मीडियम है ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर की क्लास में विंग वेनेशन, उसमें जो रेडियल और मीडियम के बीच में कुछ क्रॉसवेल्स होती है, जो क्रॉसवेल्स होती है उसको बोला जाता है आपका, उसके अंतर्गत जो है ये डिस्क सेल आती है। तो ये जो डिस्क सेल है वो निमेटोसोरा में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जबकि ब्रैचिसेरा और साइक्लोरहाफा में डिस्क सेल जो है वो एब्सेंट होती है। और उसी प्रकार से जो विंग वेनेशन में क्यूबाइटल सेल भी पाई जाती है, क्यूबिटस है ना, क्यूबिटस, तो वो क्यूबाइटल सेल जो है ये जो है ओपन प्रकार की होती है ना, इसमें जो है आपका जो क्रॉसवेंस रहेगी है ना, क्यूबाइटल एपिकल मार्जिन की ओर जो है आप देखेंगे तो इसमें जो है क्यूबिटस जो है वो ओपन होता है, और जबकि इसमें जो है आपका किसमें, ब्रैचिसेरा और साइक्लोरहाफा में क्यूबिटस जो होता है अर्थात क्यूबिटल सेल जो है पंख में क्लोज होती है। इस प्रकार से निमेटोसेरा, ब्रैचिसेरा और साइक्लोरहाफा तीन जो इस डिप्टेरा ऑर्डर के सब ऑर्डर्स हैं उनमें डिफरेंसेस होता है। अब इनकी इंपॉर्टेंट फैमिलीज, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फैमिलीज, तो सबसे पहला फैमिली है पुलिसिडी। पुलिसिडी के अंतर्गत जो मॉस्किटोस और एनाफिलीज मच्छर वगैरह जो आप लोगों ने सुना मच्छर, वह सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी सबसे प्रमुख खासियत है एंटीनी है ना, और भी कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फैमिली के, लेकिन प्रमुख है एंटीनी। एंटीनी जो है ये देखिए मेन मॉस्किटोज में ये कैसी पाई जाती है, प्लूमोस प्रकार की एंटीनी। इसका में क्या होता है, प्लूमोस में होता है डेंस हेयर्स, ये देखिए बहुत ज्यादा संख्या में एंटीनी के चारों ओर हेयर्स पाए जा रहे हैं,
उनको बोला जाता है डेंस हेयर। और उसी प्रकार से फीमेल जो मॉस्किटो है उनमें पाइलोस प्रकार की एंटिटी पाई जाती है, जिसमें की जो हेयर्स की संख्या होती है वो थिन होती है, अर्थात कम होती है, थिन हेयर्स पाए जाते हैं फीमेल मॉस्किटोज में। और इसके अलावा ये देखिए ये विंग्स है ना, तो पुलिसिडी फैमिली की एक प्रमुख विशेषता भी है कि जो इनके विंग्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं। ये आगे देखिए ये है ना, तो इसके जो इंसेक्ट्स हैं वो डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, आपको मालूम मच्छर बहुत नाजुक होता है, डेलिकेट फ्रेजाइल है ना, फ्रेजाइल और स्लेंडर इंसेक्ट्स होते हैं। फीमेल्स में पियर्सिंग में सेकंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, और एंटीना जो है आपको जैसे बताया प्लूमोस और पाइलोस है ना, डेंस हेयरी और थिन हेयरी फीमेल में पाए जाते हैं। लेग्स जो होते हैं वो स्लेंडर होते हैं, डेलिकेट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये देखिए स्लेंडर डेलिकेट और लंबे पैर है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है चित्र में। और साथ साथ विंग्स जो है ना, विंग्स जो है प्रिंट होते हैं और उनके ऊपर बाल पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है इसकी जो हाइंड मार्जिन है ना, और उसकी कुछ वेन्स है उनमें स्केल्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये फ्रिंज विंग्स कहलाते हैं, ये देखिए ये चित्र में दिखा रहा है, तो ये विंग्स क्या कहलाते हैं, फ्रिंज विंग्स। ये देखिए पूरे बारीक बारीक से इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, ये जो है आपका सभी फ्रिंज विंग्स के तहत आते हैं। और मेल्स जो है वो शॉर्ट लाइफ होती है, कम जिंदगी होती है इसकी, और सामान्यतः जो है हेयर्स जो भी टिके रूट्स वगैरह है ना उनपे या नेक्टर्स वगैरह है उनके ऊपर फीड करने का कार्य करता है, जबकि फीमेल्स जो होती है वो ब्लड फीडर्स होते हैं। हम लोगों को जो मच्छर काटते हैं वो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं जो कि हमारे शरीर के खून चूसने का कार्य करते हैं। लार्वी जो होती है इसमें वो रिग्लर्स कहलाती है, लार्वी जो होते हैं मॉस्किटो के उनको बोलते हैं रिग्लर्स। और ये सामान्यतः इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं है ना, और साथ साथ ये पानी में है ना, पानी में जो है आपका सर्वाइव करती है लार्वी। और प्यूपा भी इसका जो होता है वो इसको बोला जाता है टम्बलर है ना, टम्बलर बोला जाता है प्यूपा को। और ये भी जो है बहुत एक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ इनके इसकी जितने स्पेरिकल्स है ना वो जो है स्ट्रोथोरेसिक हॉर्न्स है ना, एक जोड़ी स्ट्रोथोरेसिक हॉर्न है ना जो कि स्पेरिकल्स के लिए जो कि जो प्रोथोरेसिक हॉर्न्स जो है ना वो स्पेरिकल्स को कहते हैं। और साथ ही साथ जो है यह भी जो है प्यूपल जो है स्टेज में स्विमिंग करने में सक्षम होती है। दूसरी फैमिली है सिस्टोमाइटी, सिस्टोमाइटी के अंतर्गत मिजेस आती हैं। ये मिजेस जो है बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट्स हैं और बहुत डेलिकेट इंसेक्ट हैं। ये देखिए इस चित्र में दिखा रहा है, ये मिजेस की फोटो है, और ये जो है इनकी जो मिजेस की जो एंटीनी है वो मैन्युअली फॉर्म होती है, और साथ ही साथ इनकी बॉडी के ऊपर पूरी हेयर्स पाए जाते हैं। विंग्स जो होते हैं उनमें जो वेनेशंस जो होती है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स जो है वो कम संख्या में पाई जाती है। टीबिया, ये जो टीबिया है इस टीबिया में कांटे जैसी संरचना, ये देखिए ये नजर आ रहा है, कांटे जैसी संरचना जो है इसके टीबिया में पाई जाती है। इसके अलावा यह भी एक प्रकार का माइन्यूट छोटा सा डेलिकेट मॉस्किटो लाइक फ्लाइज होती है, मच्छर की जैसी फ्लाइज होती है। इनकी जो एंटीनी है वो जो है जैसे आपको बताया वो मंडली फॉर्म होती है, साथ साथ लंबी होती है, तो विंग वेनेशन जो है वो रिड्यूस्ड होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स की संख्या कम पाई जाती है, और विंग्स जो है वो पूरे पूरे आपका कवर्ड होते हैं बालों के गुच्छों से। इसके अलावा जो आपका प्रोथोरेक्स है ना, प्रोथोरेक्स के बीच में इसके लार्वा में प्रोथोरेक्स के जो मिड वेंट्रल पोर्शन है वहाँ पे एक स्क्लेरोटाइज्ड कड़ा सा एक एरिया ना, डार्क कलर कड़ा सा एरिया पाया जाता है जिसको कहा जाता है चेस्ट बोन इस इंसेक्ट के ना, ठीक है चेस्ट बोन। तो ये जो है ये इस फैमिली की इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, और साथ साथ इसका एग्जांपल है राइस गालवीज और सियोलिया ओराइजी, ये राइस का एक प्रमुख पेस्ट है, इसके कारण से गाल का फॉर्मेशन होता है। और यह जो है ये गाल, ये देखिए अगरबत्ती के जैसी संरचना वाला या प्याज के जैसी संरचना वाला धान में ये जो है एक प्रकार के गाल्स बन जाते हैं, जिसमें कि आगे फर्दर चल के किसी भी प्रकार के बाल नहीं आते हैं, अर्थात बालियों का निर्माण नहीं होता है, और उत्पादन में 100% तक की कमी आती है यदि इस राइस में गालमीज का अटैक हो गया हो तो। तीसरा एक और ऑर्डर है टेप्रिडिडी। टेप्रिडिडी
के अंतर्गत फ्रूट फ्लाइज आती है, फ्रूट फ्लाइज ना, फ्रूट फ्लाइज जो है ये सामान्यतः जितनी भी कुकुरबिटेसी क्रॉप्स है उनका एक प्रमुख पेस्ट है। उसके अलावा ये जो है आपका इनके सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका जो सब कोस्ता है कि सब कोस्ता एकदम आखिर तक विंग्स के ना पहुंच करके एब्रप्टली एकदम अचानक से ये क्या हो जाता है, एंड्स हो जाता है। ये इस फैमिली की सबसे प्रमुख विशेषता है ना? और साथ ही साथ जो है ये सब कोस्ता पेंट्स हो जाता है। विंग्स जो होते हैं ना, उसके देखिए विंग्स जो है वो स्पॉटेड होते हैं है ना, और स्पॉटेड होने के साथ साथ जो है ये कई प्रकार के स्पाइडर के जैसे मिमिक करते हैं। इसके विंग्स में देखिए स्पाइडर जैसी संरचना, और कुछ इंसेक्ट्स जो है वो स्पाइडर के जैसे ही दिखाई देते हैं इस फैमिली के। तो ये जो है आपका इसके विंग्स में स्पाइडर जैसी संरचना भी पाई जाती है, और स्पाइडर के जैसा मिमिक करने का कार्य भी ये करते हैं। और फीमेल जो होती है इनके जो ओविपोजिटर होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं, जो कि अंडे को टिश्यूज के प्लांट टिश्यूज को लैसरेट करती है, गिरती है और अंडे देने का कार्य करती है। और इसके जो मैगॉट्स होते हैं वो मैगॉट्स जो है कूदने का कार्य करते हैं, होप करते हैं ना? और यह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक प्रमुख पेस्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई, टेकस कुकुरबिटी। इसके अलावा यह जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें एप्पल मैगॉट फ्लाइज है ना, एप्पल मैगॉट फ्लाई ये पेस्ट एप्पल का पेस्ट है, बहुत ही मेजर पेस्ट कहलाता है। ये मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई सिट्रस में लगती है। और यह जो है आपका गोल्डन रॉड गाल फ्लाई, ये जो फिगर दिखा रहा है यूरोस्टा स्पीसीज, यह जो है ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक प्रमुख पेस्ट है। तीसरी एक और फैमिली है जिसको बोलते हैं मोसिडी। मोसिडी फैमिली के अंतर्गत हाउस फ्लाई आती है, जो घरेलू मक्खी है हमारी वह मोसिडी फैमिली के अंतर्गत आती है। तो इनका जो साइज होता है मीडियम साइज होता है, समझ आपने देखा भी होगा, ग्रे कलर होती है, आँख जो होती है वो ये देखिए लाल रंग की होती है, और जो उनकी ओरल ओपनिंग्स है ना माउथ पार्ट जो है वो नॉर्मल होते हैं। एंटीना जो है इसमें एरिस्टेट टाइप का एंटीना है ना, प्लूमोस टाइप का एंटीना पाया जाता है, और माउथ पार्ट जो होते हैं इसमें माउथ टाइप के स्पॉन्जिंग टाइप के पाए जाते हैं, और साथ साथ प्री टार्सस जो है वो दो क्लॉज और दो एडहेसिव पैड्स है ना उसके प्री टार्सस में पाए जाते हैं। जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं वो येलो इन कलर का होता है, और टर्मिनल एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो होते हैं वो टेलीस्कोपिक होते हैं, जिसके कारण से वे सुडो ओविपोजिटर का निर्माण करते हैं है ना। और एब्डोमेन जो है डिस्टली बेसल पार्ट पे नहीं होता है। मैगट्स जिसके जितने भी जो होते हैं ना, अर्थात लार्वा या मैगट्स जो है वो स्क्वेंजर्स के ऊपर फीड करने का कार्य करते हैं, अर्थात जो भी डिकेइंग मटेरियल है उनके ऊपर फीड करने का कार्य करते हैं। जबकि एडल्ट्स जो होते हैं ये कई डिसीज क्रॉस करने का और साथ ही साथ अपने पैरों में माइक्रोब्स वगैरह को ले जा करके दूसरी जगह फैलाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण से इन मक्खियों के से कई प्रकार की डिजीज होती है, डिजीज कॉज होती है। उसकी बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है आपका ये जो उनके माउथ पार्ट्स हैं वो भी हेयरी होते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं कॉमन हाउस फ्लाई, हम लोग जो घर में देखते हैं उसका डोमेस्टिका, ये जो चित्र है ये है आपके सब उसी के हैं। और ये देखिए ये जो है ना ये आपका ये इसके विंग्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और विंग वेनेशंस बिल्कुल आपका सामान्य रूप से नजर आता है। फैमिली है एग्रोमाइजिडी, एग्रोमाइजिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं लीफ माइनर्स है ना। तो ये जो लीफ माइनर्स हैं ये जो है एक प्रकार ऐसे इंसेक्ट हैं, छोटे होते हैं, ब्लैक पीस या येलोइस है ना, काले या पीले रंग की छोटी छोटी सी मक्खियाँ होती हैं। और इनके जो विंग्स हैं ये देखिए ये हाइलीन अर्थात जैसा कि आपका चमकदार जो पंख होते हैं ना, रंग बिरंगे से पंख, उस तरीके के आपके उसको बोलता है हाइलीन बोला जाता है, वह हाइलीन विंग्स इसके होते हैं। फ्यूमोरा है ना, इसके जो लैक्स होते हैं ना, लैक्स में ये देखिए लैक्स जो है इनमें और खासकर फ्यूमर है ये जो है इसके बारीक बारीक से ब्रिस्टल्स या हेयर या कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। एक विब्रोसी है ना, विब्रोसी जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। विब्रोसी क्या होता है, वो एक प्रकार का एक जोड़ी जो है जो फेस, ये जो फेस दिख रहा है इस जो लीफ माइनर है, इस फेस पे जो है ना ये जो आपका यहाँ पे ना
फेस के जो है दोनों तरफ, ये इस तरफ और इस तरफ जो है छोटे से क्रिस्टल जैसी संरचना है ना, हेयर जैसी या कांटे जैसी संरचना एक जोड़ी पाई जाती है जिसको बोला जाता है विद्रोषी, है ना। तो विद्रोषी सामान्यतः इस फैमिली में एक्रोमाइजिडी में जो है वो एब्सेंट होता है ना। और जो इसकी लार्वी होती है, ये देखिए ये लार्वी जो है ये माइंस बनाने का कार्य करती है। ये देखिए ये जो है ये पत्तियों के अंदर जो है माइंस बनाने का कार्य करती है और इसका जो क्लोरोफिल कंटेंट को ये खा लेती है, जिसके कारण से जहाँ जहाँ ये चलती है तो एक प्रकार की माइंस का निर्माण होता है। इसीलिए इसको जो है लीफ माइनर कहा जाता है। और ये जो लार्वी है ये कैसी होती है, फाइटोफेगस इन नेचर होती है, मतलब पत्तियों में ही ये दिखाई देंगी और प्लांट्स के जो क्लोरोफिल कंटेंट्स को खाने का ही कार्य करती है। और यह जो है जिसके कारण से ये माइंस का निर्माण होता है। सामान्यतः जो यंग सिबलिंग्स होती हैं उनमें इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं अमेरिकन सर्पेंटाइन लीफ माइनर, लिडियोमाइजा ट्राइफोली, है ना, पी स्टेम फ्लाई, ओफियोमाइजा फेजुली, मिलानोग्रामाइजा फेजुली भी कहा जाता है उसको, देन रेड ग्राम पॉट फ्लाई या पिजन पी पॉट फ्लाई या अरहत पॉट फ्लाई, मिलानोग्रामाइजा ऑफ्यूजा। तो इस तरीके से जो है आपका एग्रोमाइजी फैमिली और इस ऑर्डर्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट फैमिलीज के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में ये स्टडी करी।